खबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, हर जरूरतमंद को उचित मदद मिले यह प्रयास करूंगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयास के बाद दिल्ली में फंसे झारखंड के लोगों के लिए भोजन का प्रबंध हो गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद कहा है। अरविंद केजरीवाल ने जानकारी दी कि जिलाधिकारी को निर्देश दे दिया गया है, झारखंड से आए हुए हमारे इन भाइयों को दो वक्त का खाना मिले। दिल्ली में हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। मुख्यमंत्री को एक वीडियो साझा कर बताया गया कि झारखंड के कुछ लोग जो वहाँ मजदूरी करते हैं, लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं। खाने की व्यवस्था नहीं है, भूख से मरने की नौबत आ गई है। मामले की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल से इन्हें मदद पहुँचाने का अनुरोध किया था। खबर है, राहुल गांधी ने की मोदी सरकार की तारीफ, कहा, सही दिशा में उठाया गया कदम। दोस्तों, देश में फैल रहे कोरोना वायरस से बचने के लिए देश में 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। इससे लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए आज केंद्र की मोदी सरकार ने एक राहत पैकेज का ऐलान किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार के इस फैसले की तारीफ की है। राहुल गांधी ने कहा कि राहत पैकेज केंद्र सरकार द्वारा सही दिशा में उठाया गया कदम है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि वित्तीय सहायता पैकेज की आज सरकार की घोषणा सही दिशा में पहला कदम है। भारत पर उसके किसानों, दिहाड़ी मजदूरों, श्रमिकों, महिलाओं तथा बुजुर्गों का कर्ज है जो इस लॉकडाउन का दंश झेल रहे हैं। बता दें कि कोरोना वायरस से सुस्ती पड़ी अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.70 लाख करोड़ के स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि गरीबों के लिए खाने का प्रबंध किया जाएगा। इसके अलावा डीबीटी के जरिए अकाउंट में पैसे ट्रांसफर भी किए जाएंगे। सरकार ने जो बड़ा ऐलान किया है उसमें 3 महीनों तक एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों के हिस्से का योगदान सरकार देगी। यह वहाँ लागू होगा जहाँ 100 से कम कर्मचारी हैं और 90% 15,000 से कम वेतन पाते हैं। खबर है, प्रशासन ने चेताया, अधिक कीमत पर बेचा सामान तो सीधी कार्रवाई को रहे तैयार। दोस्तों, लॉकडाउन में ऊंची कीमत पर खाद्य सामग्री एवं सब्जी बेचे जाने की शिकायत पर मुसाबनी के प्रशासनिक महकमे ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। गुरुवार को डीएसपी पीताम्बर सिंह खेरवार थाना प्रभारी संजीव कुमार झा ने सरकार द्वारा तय दर पर सामान बेचने संबंधी हिदायत घूम घूम कर सभी दुकानदारों को दी। इसमें किराना दुकानदार एवं आलू प्याज बेचने वाले दुकानदार शामिल थे, जिन्हें सख्त हिदायत दी गई कि निर्धारित दर से यदि अधिक मूल्य पर किसी भी सामान को बेचे जाने की सूचना प्रशासन को मिलती है तो दुकानदार के खिलाफ सीधी कार्रवाई की जाएगी। दुकानदार को दुकान के आगे घेरा लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने को कहा गया है। इसके अलावा सभी दुकानदारों को भी मास्क को आवश्यक रूप से लगाने की और हैंड वॉश की व्यवस्था करने की भी हिदायत दी। खबर है, फोन कीजिए, आपके घर पहुंचेगा सामान, 2 किलोमीटर से ज़्यादा के दायरे के लिए लगेंगे 50 रुपये। दोस्तों, शहर के लोगों के लिए भी गुरुवार से खाद्यान्नों की आपूर्ति होम डिलीवरी की जा रही है। प्रशासन ने इसकी व्यवस्था करते हुए दुकान मॉल की सूची सार्वजनिक की है। साथ ही मॉल व दुकान के लिए क्षेत्र का भी निर्धारण किया गया है। शहरवासी दुकान व मॉल के प्रतिनिधि को मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप पर मैसेज कर खाद्य सामग्री की सूची भेजने के बाद डिलीवरी बॉय घर में सामान पहुँचा रहे हैं। खाद्य सामग्री परसुडी कृषि उत्पादन बाजार समिति की ओर से तय दर पर मिल रहे हैं। 2 किलोमीटर के दायरे में दुकान मॉल निशुल्क पहुँचाया जा रहा है। 2 किलोमीटर से ज़्यादा और 5 किलोमीटर के बीच 50 रुपये का शुल्क का भुगतान खरीदार को करना होगा। प्रशासन ने जो क्षेत्र का निर्धारण किया है वह अधिकतम 3 से 4 किलोमीटर ही है। खबर है, 2 दिनों में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में आए 2200 फोन, झारखंड के बाहर फंसे लोग मांग रहे मदद। दोस्तों, राज्य में कोरोना को लेकर बनाए गए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम काफ़ी प्रभावी साबित हो रहा है। कंट्रोल रूम में कोरोना से संबंधित बड़ी संख्या में लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। पहले दिन बुधवार को 1169 फ़ोन रिसीव किए गए हैं। गुरुवार को भी शाम 7 बजे तक 1000 से ज़्यादा फ़ोन आ चुके थे, जिसकी कंपाइलिंग की जा रही है। कंट्रोल रूम में प्रशासनिक के साथ साथ पुलिस तथा स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को तीनों पालियों में लगाया गया है। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम जिला कंट्रोल रूम में रूम से समन्वय बनाकर काम कर रहा है। सभी जिलों में भी जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है।
झारखंड के लोग तथा मजदूर बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में फंसे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में फोन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को वापस लाने के लिए संबंधित राज्यों में अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है।